हेलो दोस्तों, दिस इज़ मैं किरण रावत आ गई हूँ आप सभी के सामने फिर से एक छोटा सा व्लॉग लेके। तो स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में। तो आज मैं बहुत दिन बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने आपको बताया है जैसे कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ पा रहे हैं, नेटवर्क इश्यूज़ हैं बिकॉज़ मैं मम्मी के घर पर हूँ कुछ दिन के लिए, तो इस वजह से व्लॉग काफ़ी छोटे बना रही हूँ। तो ये वो जगह है थानो जहाँ मेरा मायका है। थानो में मेरा मायका नहीं है लेकिन हमारे घर से थोड़ा आगे जाके थानो पड़ता है। तो थानो के बीच में जो जंगल वाला एरिया है, जो रोड है काफ़ी आगे जाके, तो ये वो वाली रोड है। यहाँ पे आप जा सकते हो अपना मूड फ्रेश करने। इवन जब आपका मूड ऑफ हो ना तो आप कभी यहाँ पर आके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत काम फील होगा और काफ़ी अच्छा आप फील करेंगे। और आगे जाके ये गांव है, एग्जैक्ट नेम मुझे नहीं पता का क्या है यहाँ का नाम है। ये देखिए बंदर मामा भी यहाँ पर थे, तो आपका मूड यू नो चेंज हो जाएगा, आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेट्स सी देखो मुझे क्या मिला है। इट्स अ यूनिक, मैं फ़र्स्ट टाइम इसको देख रही हूँ। अब ये गोट है क्या है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल भी रही थी इसको हम ले लेते हैं, बट बोल नहीं सकते थे ना कुछ भी कि वो हमें देंगे या नहीं, तो इसलिए हम निकले सैर पर, एक छोटी सी सैर पर। ये है धारकोट वाली रोड और ये दिखता है भानियावाला का पूरा इलाका, पूरा गांव, भानियावाला से डोईवाला पूरा गांव यहाँ पे पूरा दिखता है। और ये गांव है आपका थानो ही है। अब मुझे थानो ही पता है तो मैं थानो ही इसको बोलूँगी, एग्जैक्ट नेम मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बहुत ही काम एंड बहुत ही पीसफुल जगह थी तो, और काफ़ी ठंडा भी यहाँ पर था। नीचे बाज़ार वाले एरिया में तो काफ़ी गर्मी है लेकिन यहाँ पर थोड़ा ठंडा था। ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू, यहाँ पर था। तो जैसे मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर कभी आपका मूड ऑफ हो या किसी सिचुएशन को लेके आप परेशान हो तो कभी आप ऐसी जगह पे आके देखिए, लाइक हिली एरियाज़ में आके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मूड जो है बहुत जल्दी फ्रेश हो जाएगा। तो आप कभी ग्रीनरी जहाँ पे हो, जहाँ पे शोर शराबा ना हो, ऐसी जगह पे अगर आप आओगे ना तो यू विल बी ओके सून। एक रेस्टोरेंट भी यहाँ पर था थानो हिल्स करके, अब काफ़ी अच्छा हो चुका है, काफ़ी मॉडिफाई हो चुका है ये एरिया। जब हम लोग बहुत पहले, मैं और मेरा भाई यहाँ पे आया करते थे तो पूरा जंगल वाला एरिया था। यहाँ से फिर अगेन हमारा घर तो नहीं, मतलब ये है कि पूरा भाने वाला दिखता है। और देखो बहुत से लोगों ने आगे ज़मीन लेके यहाँ पे, देखो ये जो दो गेट डले हुए हैं ना अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर भी कुछ बहुत जल्दी बनने वाला है, आई थिंक सो रिज़ॉर्ट ही बनेगा यहाँ पर भी। तो काफ़ी सारे रिज़ॉर्ट हैं यहाँ पे, जैसे विशाल हो गया, विशाल का ही नाम पता है मुझे बिकॉज़ मैंने एक नाम पढ़ा था वहाँ पे, किसी पत्थर पे लिखा हुआ था। तो इधर हम लोग पहले पोस्टिंग के लिए भी आते थे जब मैं GNM में थी, तो इसी गाँव में हम लोग आते थे पोस्टिंग के लिए। यहाँ पर एक मंदिर भी था, हम वहाँ पर ज़रूर जाते थे जिस दिन हमारा पोस्टिंग का लास्ट डे होता था। और यहाँ पे एक मंदिर भी है नीम करोली बाबा जी का, आप बहुत नाम सुना होगा, आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है। मैंने वो मंदिर देखा नहीं है बट मैंने बोर्ड पढ़ा है यहाँ कहीं, यहाँ पे नीम करोली बाबा जी का एक मंदिर भी है। तो ये था आज का हमारा बहुत ही छोटा टूर, दैट वाज द थानो टूर। हम थानो गए थे घूमने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज़ मैं काफ़ी थकी हुई भी थी। तो पहाड़ में जाना मैं मोस्टली बहुत पसंद करती हूँ और बेसिकली मैं गढ़वाल से हूँ तो आई लाइक हिली एरियाज़ एंड पहाड़। तो थानो हिल्स से थोड़ा आगे जाके ये द सिकर्स होम भी वहाँ पर था, काफ़ी बन चुके हैं यहाँ पे अब रेस्टोरेंट वगैरह ना। तो गाइज होप सो आप सभी को मेरा ये मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।